इंडियन फुटबॉल की पिच में तरक्की हो कि ना हो, बट ट्रांसफर मार्केट में तरक्की तो बहुत स्पीड से हो रही है। इसका और एक एग्जांपल था जब आई लीग क्लब मोहम्मडन स्पोर्टिंग, कोलकाता के बिग थ्री के पार्ट मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने इवेजनी कोजलोव को खरीदा है फ्रॉम द रशियन फेडरेशन। सो इवेजनी कोजलोव के बारे में जो लोग नहीं जानते उनको मैं थोड़ा सा डेफिनेशन दे दूं, क्यों मैंने रशियन इंटरनेशनल कहा है। ही हैज बीन अ रशियन इंटरनेशनल इन द यूथ लेवल, उन्होंने यूथ लेवल में रशिया के लिए फुटबॉल खेला है एंड ही इज ओनली अ 28 ईयर ओल्ड गाय एंड ही इज एन अटैकिंग प्लेयर, मल्टीपल पोजिशन में खेल सकते हैं अप फ्रंट में। सो मोहम्मडन स्पोर्टिंग के जो प्लेयर्स थे उनमें से दो प्लेयर्स ने बेसिकली अपना क्लब छोड़ दिया है मोहम्मडन स्पोर्टिंग गेम टाइम ना मिलने की वजह से। सो मोहम्मडन स्पोर्टिंग के पास दो फ्री स्पेसेस थी और इस साल मोहम्मडन स्पोर्टिंग अब तक आई लीग के नंबर वन पे है और मोस्ट ऑफ द मैचेस में उन्होंने सिर्फ एक या दो फॉरेनर्स के साथ पिच में उतर के ही फर्स्ट स्पॉट में ऑलमोस्ट अपना नाम बना लिया है। सो दिस शोज व्हाट अ गुड इंडियन कोर मोहम्मडन स्पोर्टिंग हैव। बट एलेक्सिस नाउहेल गोमेज और उनके जो होंडुरस वाले स्ट्राइकर है, उन दोनों के अलावा भी टीम को एक रीइंफोर्समेंट की जरूरत थी, ऐसा मैनेजमेंट को लग रहा था। और उन्होंने मार्केट में जाके किसको खरीदा, उन्होंने खरीदा इवेजनी कोजलोव को। मैं कोजलोव ही बोलूंगा क्योंकि इवेजनी ना है या कोई और प्रोनाउंसिएशन है, आई डोंट वॉन्ट टू गेट द प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग। सो हिज मार्केट वैल्यू इज 2.4 करोड़, ठीक है, ये मैं पहले ही बोलना चाहता हूँ। दूसरी बात वो है प्लेइंग करियर। इनका प्लेइंग करियर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इवेजनी कोजलोव जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ही हैज प्लेड फॉर अ होल लॉट ऑफ टीम्स थ्रू आउट हिज करियर। और इस डील में मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप उनके करियर को पूरी तरह से देखोगे, उनका करियर स्टार्ट हुआ था फ्रॉम द रशियन टीम विटियाज। विटियाज में खेलते थे, वहां से विटियाज पोडोल्स्क के टीम में उन्होंने प्रोमोट हुए, वहां से रूबिन कजान ने उनको खरीद दिया। यस, वही रूबिन कजान जो एक टाइम पे चैंपियंस लीग खेलती थी। सो रूबिन कजान में वो लोन में थे, रूबिन कजान से लोन खत्म होने के बाद वो पोडोल्स्क लौट गए, पोडोल्स्क से वो वोल्गा एनएन2 बोल के एक क्लब में गए थे, वोल्गा एनएन2 में, वहां से वो जेनिट सेंट पीटरबर्ग, यस वही जेनिट सेंट पीटरबर्ग, वहां जहां पे हल्क खेलते थे वही जेनिट सेंट पीटरबर्ग में अपना फुटबॉल उन्होंने कुछ दिन तक खेला है। सो आफ्टर गेटिंग टाइम फ्रॉम जेनिट सेंट पीटरबर्ग उन्होंने डायनामो स्पार्टा में मूव किया, डायनामो स्पार्टा में कुछ दिन वो रहे, डायनामो स्पार्टा में उनका फुटबॉल भी देखने के काबिल था, मोस्टली ही प्लेड इन द सेकंड टीम। उसके बाद वो बेसिकली अपने क्लब चेंज करके स्पार्टैक्स बोल के एक क्लब में चले गए। स्पार्टैक्स इज अ लैटवियन क्लब, सो वहां पे उन्होंने कुछ दिन बिताया। उसके बाद वो बुल्गेरिया चले आए विद सोलिगोर्स्क, सो सोलिगोर्स्क के साथ वो बुल्गेरिया में थे। आफ्टर दैट ही अगेन मूव ऑन टू जेएफके वेंटस्पिल्स, सो जेएफके वेंटस्पिल्स भी लैटवियन लीग में है। सो बेसिकली रशिया और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में ही उन्होंने फुटबॉल खेला है, बट ही अगेन मूव मेड अ मूव फ्रॉम लैटविया अगेन टू अनदर इंटरेस्टिंग नेशन दैट इज नन अदर देन कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में उन्होंने कुछ दिन तक फुटबॉल खेला है, कजाकिस्तान में आजाइक, कुजा, आउत्रा, इन तीन क्लब्स के लिए उन्होंने फुटबॉल खेला है और बेसिकली करेंटली वो एक फ्री एजेंट थे। सो उनको मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने मार्केट में खरीद लिया है। और जो लोग पूछ रहे हैं उनका पोजिशन क्या है, आई विल टॉक यू अबाउट दैट इन द प्लेइंग स्टाइल सेक्शन। सो ये है इसका बेसिकली मेन स्टोरी, यही है। सो जो लोग कमेंट कर रहे हैं मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ एंड यस आज रात को हम वीडियो बनाएंगे, वी विल मेक अ वीडियो ऑन यासिर हमीद लीविंग नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। सो गाइस डोंट वरी, यहाँ पे कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, आई विल मेक अ वीडियो ऑन यासिर हमीद, सो डोंट वरी, आज रात को वो वीडियो आएगा। इस डील का इंपॉर्टेंस मोहम्मडन स्पोर्टिंग के लिए बहुत क्लियर कट है, दे वांटेड अटैकिंग रीइंफोर्समेंट्स क्योंकि एडी मार्टिनेज और एलेक्सिस नाउहेल गोमेज के अलावा भी, एलेक्सिस नाउहेल गोमेज बेसिकली वाइड मिडफील्डर खेल रहे हैं और एडी हर्नांडेज बेसिकली स्ट्राइकर खेल रहे हैं, दे नीडेड अनदर प्लेयर, अनदर थ्रेट फ्रॉम द पिच जहां से गोल हो सके, क्योंकि मोहम्मडन की डिफेंस हैज बीन प्रीटी गुड बट गोल्स इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग आउटपुट मुझे लगता है कि और भी ज्यादा अच्छा आ सकता है, दैट्स समथिंग दैट आई बिलीव। सो इवेजनी कोजलोव को भी यही सोच के मोहम्मडन स्पोर्टिंग के मैनेजमेंट ने खरीदा है इन द ट्रांसफर मार्केट एज ऑफ राइट नाउ, जितने मुझे पता चला है। सो उसके बाद आता है प्लेइंग स्टाइल, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस। सो प्लेइंग स्टाइल, इवेजनी कोजलोव एक रशियन प्लेयर है और उनके साथ आप लोग यूरोपियन फुटबॉल बहुत लोग देखते होंगे, सो आई विल कंपेयर अ प्लेयर। क्या आपने गोलोविन का गेम देखा है, 2018 वर्ल्ड कप में बहुत फेमस हुए थे आंद्रे गोलोविन, रशिया के प्लेयर थे गोलोविन। और जो लोग गोलोविन को नहीं जानते मैं और एक प्लेयर का नाम बोलता हूँ, यानी कैरास्को। यानी कैरास्को के साथ बहुत ज्यादा उनका एक प्लेइंग स्टाइल का सिमिलैरिटी है क्योंकि अपने पूरे करियर में अगर आप ठीक ठाक से देखो, इवेजनी कोजलोव हैज बीन प्रीटी डीसेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग असिस्ट और इस बंदे ने 29 असिस्ट दिए है अपने गेम में, सो ही इज मोर ऑफ अ क्रिएटर ऑफ शॉट्स। 29 असिस्ट बहुत ज्यादा है ऐसा मैं नहीं बोल रहा, बट ही लव्स टू गिव असिस्ट क्योंकि उनका जो पिछला क्लब था
वहां पे उन्होंने 76 गेम्स में 26 गोल्स और 21 असिस्ट किया, सो दिस शोज कि जितना करियर आगे गया है ही हैज बीन मोर एंड मोर क्रिएटिव फॉर द टीम एज वेल। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्रिएटिव पार्ट, एक बात है ही इज अ वेरी गुड बॉल कैरियर, बॉल को कैरी कर सकते हैं वन वन ट्रांजिशन टू अनदर, और मॉडर्न फुटबॉल बेसिकली ट्रांजिशन में चलता है जहां पे एक फेज ऑफ गेम प्ले से दूसरे फेज ऑफ गेम प्ले में गेम ट्रांसलेट करता है, वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल कोजलोव प्ले कर सकते हैं अपने टीम के लिए, क्योंकि कोजलोव इज अ वेरी वेरी गुड बॉल कैरियर। दूसरी बात इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग, यस एडी हर्नांडेस को ही अब तक मेन गोल स्कोरर टीम को मान के चल रहे थे, दे हैव डेविड इन द बेंच एज वेल, एग्लिसी नावल गोमेज कुछ गोल कर सकते हैं, दे हैव ऑल्सो सम टू और थ्री गुड प्लेयर्स इन द रिजर्व बेंच एज वेल, बट अगेन कोचलॉफ को खरीदने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज नॉट स्कोरिंग गोल्स बट रेदर प्रोवाइडिंग असिस्ट, क्योंकि क्रिएटिविटी मोहम्मडन स्पोर्टिंग के लिए थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही है इस साल, मोहम्मडन ज्यादातर मैच 1-0 2-1 2-0 गोल से जीत रहे हैं, एंड दे वॉन्ट द सेंस ऑफ कंफर्टेबल कि भाई हम कंफर्टेबली खेलना चाहते हैं, वी हैव अ वेरी गुड डिफेंडर, उनके डिफेंस में सिर्फ एक ही प्लेयर खेलता है, सो मिडफील्ड में उनके पास ऑप्शन है कि आप मिडफील्ड में आप यू कैन प्ले टू प्लेयर्स टूगेदर, जहां पे आप एक विंग में एलेक्सिस नाहल गोमेज और दूसरे विंग इवाजनी कोचलोव क्यों इंटरेस्टिंग पोजीशन में फुटबॉल खेला है वो भी मैं थोड़ा आपको बता देना चाहूंगा, बिकॉज उनके गेम में उन्होंने दो ही पोजीशंस में फुटबॉल खेला है, दैट इज राइट विंग एंड लेफ्ट विंग। एलेक्सिस नाहल गोमेज किस पोजीशन में खेलते हैं, ही इज अ लेफ्ट विंगर, सो मुझे लगता है जो मोहम्मडन स्पोर्टिंग करने की कोशिश कर रही है, दे वॉन्ट एलेक्सिस नाहल गोमेज, और एलेक्सिस नाहल गोमेज के साथ वो इवाजनी कोचलोव को दोनों विंग्स में खिलाना चाहते हैं, एंड इन टर्म्स ऑफ अप फ्रंट दे हैव ऑलरेडी अ वेरी गुड प्लेयर इन फॉर्म ऑफ एडी हर्नांडेज, सो इन तीन प्लेयर्स और डिफेंस में एक प्लेयर को लेकर मोहम्मडन एक सॉलिड अटैकिंग कोर बनाने की कोशिश कर रही है, दैट टू विदाउट एनी सेंस ऑफ डाउट, सो मोहम्मडन स्पोर्टिंग की कोशिश इज प्रीटी क्लियर, दे वॉन्ट अ सॉलिड अटैकिंग यूनिट एंड दे आर वर्किंग फॉर इट विदाउट अ डाउट। सो भाई नॉर्थ ईस्ट से गुड बाय टू यासिर अहमद, यस अर्णव मैंने देखा है ये यासिर अहमद एक अच्छा प्लेयर, बट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड क्यों रिलीज किया, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से रिलीज नहीं किया, आई नो अर्नव, आई नो इंडियन फुटबॉल चैनल की नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, आप लोग तो फैन हो मुझसे भी ज्यादा अच्छा जानते होंगे कि नॉर्थ ईस्ट ने पास में बहुत सारी गलतियां की है, बट यासिर हमेद का जाना इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर बेसिकली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने उनको नहीं निकाला टीम से, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी आर नॉट द टीम हु हैज पुश्ड, वो एक नए चैलेंज की ओर देखना चाहते थे इंडियन फुटबॉल से, देखो उनका फुटबॉल अच्छा है, ही इज प्लेइंग फॉर पैलेस्टाइन, ही वांटेड गेम टाइम, ही गॉट गेम टाइम, अब वो एक दूसरे लीग में जाके गेम टाइम की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस टीम में मिचेल ज़वा को इज द फर्स्ट प्लेयर, ही इज नॉट गेटिंग गेम टाइम, और दूसरी बात यह है कि आफ्टर द एशिया कप बहुत सारे टीम शायद उनके ऊपर इंटरेस्टेड होंगे, एंड ही डजंट वांट टू स्टे इन इंडिया, एज हार्ड एंड एज बिटर एज इट मे साउंड, यही ट्रूथ है, एंड इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ बेसिकली द नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, rather the player wanted to go to place from some other club, so ye aapko samajhna padega. North East United se Hamed ko kyun release kiya mujhe samajh mein nahi aa raha bhai, unhone release nahi kiya, he dekho bhai aap agar post padh lo na wahi pe likha hai he wanted to part ways aur club ne agree kar liya, kyunki aap ek player ko aise player ko nahi rakhna chahoge team mein jo apne team ke liye nahi khelna chahta, and this is one of the reasons why the club has let someone like Yasir Hamed go. Bro make a video about Asian striker who can help North East United FC, कोशिश करूंगा, गुड आइडिया, होपफुली पास में करने भी पड़ेगा। हेलो भाई यासिर अहमद नॉर्थ ईस्ट से चला गया, यस मैं जानता हूँ रात को वीडियो आएगा भाई, यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन करके कोई फायदा है नहीं, मोहम्मडन स्पोर्टिंग फैंस गेट एंग्री कि भाई हमारे वीडियो में भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का डिस्कशन क्यों हो रहा है, सो आई विल जस्ट कीप इट फॉर राइट नाउ, रात को इसके बारे में बात करेंगे क्या हो सकता है यासिर अहमद, और इससे एक चीज आपको पता चल गई होगी कि यासिर अहमद अगर चला जाता है क्लब से सो कौन आने वाले हैं, ए फॉरेन स्ट्राइकर विल एब्सोल्युटली कम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, क्योंकि कल रात तक मुझे लग रहा था कि शायद कोई फॉरेन स्ट्राइकर ना खरीदे टीम, बट अब जो मुझे लग रहा है आफ्टर सीइंग यासिर अहमद गो विच वाज अ टोटल शॉकर फॉर ईच एंड एवरीबॉडी, मुझे लगता है एक नया फॉरेन स्ट्राइकर आने वाला है बहुत जल्दी, बेल्जियम का यानिक करास्को जो एथलेटिको मैड्रिड के लिए खेलता था, एंड यस वही अलेक्जेंडर गोलोविन जो मोनाको के लिए खेलता है। यासिर अहमद पार्ट विद स्वागत, यस आई नो यू नो भाई यासिर अहमद बहुत स्ट्रॉन्ग था, यस ही वाज स्ट्रॉन्ग, बट अगेन हमजा रेगुलर इज आल्सो इन दैट काइंड ऑफ गेम प्ले एज वेल। भाई 11 बजे को मोस्ट प्रोबली एट 10:45 क्योंकि मैं लिवरपूल का गेम देखूंगा, सो आई विल वॉच द लिवरपूल गेम, उसके बाद हाफ टाइम में आके ये वीडियो करके मैं फिर से लौट जाऊंगा गेम देखने के लिए, सो 10:45 ये पकड़ के चलो, 10:45 से मैं लेट नहीं करूंगा, बिकॉज आई विल माई सेल्फ वॉच द लिवरपूल गेम विद बोन माउथ, क्योंकि मैं लिवरपूल फैन हूँ। वाई इज मोहम्मडन स्पोर्टिंग प्रायोरिटाइजिंग एडी ओवर डेविड, बिकॉज एडी इज अ मोर एक्सपीरियंस देन डेविड, और मोहम्मडन स्पोर्टिंग रिस्क नहीं लेना चाहती इन टर्म्स ऑफ
गेटिंग, देखो भाई डेविड आप एक चीज समझ लो, मोहम्मदन स्पोर्टिंग डेविड को नहीं रख पाएंगे, डेविड विल गो टू सम अदर क्लब एज वेल, सो किस क्लब में जाएंगे दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। सो मुझे ये एक चीज लगता है कि एडी के पास जो फिजिकलिटी है, एडी के पास जो एक्सपीरियंस है, वही एक रीजन है जिसके लिए आंद्रे चेर्निशोव उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं टू रदर देन समवन लाइक डेविड। सो एशियन स्ट्राइकर, यस आई विल ट्राई टू डू, एशियन स्ट्राइकर ही खरीदना पड़ेगा क्योंकि यू हैव लेट समवन गो, सो एशियन स्ट्राइकर आई विल ट्राई टू फाइंड सम इन द मार्केट एज वेल। सो जो फॉरेन स्ट्राइकर आएगा वो एशियन होगा, मोस्ट प्रोबेबली होना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी टीम में कोई एशियन प्लेयर है नहीं। डेविड is not have physicality of AD, but he is very clinical. But AD has the experience, bro. Experience ka ek value hai market mein. You have to give that value to the experience. NFC ka video kab aayega? Aaj raat ko at 10:45. Kyunki main Liverpool ka game dekhunga half time mein show karke. Main wahan se bhag jaunga. So guys, until then it's goodbye from Armband. Bhai ki hal? Bhai acha chal raha hai Vineet. Thank you for coming to our show today. Sadly ye video to mujhe yahin khatam karna padega. So guys, until then it's goodbye from Armband. Tata. और मिलूंगा आज रात को 10:45 को। सो गाइस टाटा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई।